सो हेलो आई, कैसे आप लोग? खूब सब लोग अच्छा करते रहोगे। सो फाइनली आज हमारा लास्ट सेशन है ये जिम में। मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि ये लास्ट सेशन है, बट जिम ने एक वीक और बढ़ा दिया था। सो आज हमारा स्क्वाट्स और बेंच है। हाँ, पता है मैंने लास्ट ब्लॉग भी सेम डाला था, स्क्वाट्स और बेंच का एक ब्लॉग बना लेता हूँ ये जिम में, बिकॉज यादें हैं यार ये जिम से मेरी, इतनी यादें हैं कि लाइक लिटरली मेरा पहला PR मैंने स्क्वाट्स का जब अटेम्प्ट किया था 120 kg का, और आज मैं 190 kg का RP8 में मारने वाला हूँ। सो बहुत कुछ मैंने सीखा है जिम से, और बहुत कुछ सिखाया है जिम ने मेरे को। सो बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। आफ्टर डिस्ट्रिक्ट मैं बहुत जोन आउट हो गया था मेरी ट्रेनिंग से, पर्सनल थिंग्स से। लिटरली पूरा लास्ट 4 वीक मैंने सब कुछ बैड सब कुछ बैड फेस ही चल रहा था मेरी लाइफ में। सो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। सो मेरे कोच से बात किया और भी अदर लोगों से बात किया, तो अभी मेरे को बेटर लग रहा है। और शायद से आज ये पहला दिन है जो मैं सच में मैं पूरा फोकस होके मैं मेरा आज ट्रेनिंग करूँगा, बिकॉज पिछले 4 वीक से मैंने क्या किया मेरे को खुद नहीं पता। मैं ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, मेरे को कुछ नहीं पता। सो फोकस है, और जस्ट 3 वीक्स बाकी है अपने स्टेट के लिए, और ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो फिजिकली नहीं मेरे मेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार मेरे से ज़्यादा तगड़े लोगों से फाइट करने वाला हूँ। 59 में फाइट था, मेरे को लगता था कि मैं जीतूंगा। पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा घसना पड़ेगा नेक्स्ट 2 महीना। और 110 का बेंच का PR भी है, सबसे वीक मेरा बेंच था, तो अभी मेरा बेंच भी अच्छा ग्रो हो रहा है। जो भी हो जाए करना पड़ेगा, क्योंकि शिवम है तो हार नहीं मानेगा। Like you, be strong, to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one. Only one. गाइस, लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था एक कार्लेज प्री वर्कआउट के बारे में। सो मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे प्री वर्कआउट यूज़ किए, बस मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं मोस्टली एवरी टाइम रात को ट्रेनिंग करता हूँ, और मैं हर बार प्री की वजह से मेरा नींद बहुत लेट हो जाता है, मतलब भाई 1-2 बजे मेरे को नींद आता है। लेकिन अभी जब से मैं कार्लेज प्री वर्कआउट बिट मसल का ले रहा हूँ, तब से मेरे को जो टाइम मेरे को सोना रहता है, मतलब 12 के टाइम, और वो हर रोज़ मैं 12 के टाइम ही सो जाता हूँ। सो ये स्लीप साइकिल बिल्कुल ख़राब नहीं होता, प्लस ड्यूरिंग वर्कआउट तगड़ा वाला पंप देता है, अच्छा फोकस रहता है, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस रहता है। एग्रेसिवनेस मीन्स इतना फोकस रहे तो आपकी ट्रेनिंग में तो एग्रेसिवनेस निकलता ही है। सो आप ट्राई करो बिट मसल की वेबसाइट से, आप एक बार ट्राई करो, फिर मेरे को आप ही कमेंट में बताओ कैसा है। सो यूज़ करो करना कार्बेज। सो जैसा मैंने बोला था, मेरा मेन सेट 190 kg RP7 के अंदर आना चाहिए, और वैसे ही आया। तो अंदर से खुद को बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि मैं आराम से 2-3 रेप और निकाल सकता हूँ। सो ये मेरा फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, जब मैं और आने वाले वीक में जब मैं 200-210 अटेम्प्ट करूँगा, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वे रहेगा जब मैं 200 अटेम्प्ट करूँगा। अभी बैकऑफ लेते हैं 175 का 4, होप सो ये भी अच्छा हो जाए। सो ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ अपन बेंच के लिए जाएंगे, बिकॉज बेंच का आदमी रख दिया। जैसा मैंने सोचा था
था वैसे मेरा स्क्वाट्स अच्छा आ गया है, सो नेक्स्ट वीक देखेंगे। नेक्स्ट वीक 200 का स्क्वाट्स अटेम्प्ट करना है, अपना जो नया पीआर रहेगा। अभी बेंच का पीआर है, आज हम 110 का बेंच लेने वाले हैं अपना मेन सेट आज, और वो मेरा पीआर रहेगा। पूरा पसीना आ गया स्क्वाट्स की वजह से पूरा। ये यूनिफॉर्म मैंने लास्ट टाइम प्रॉपर मैंने नेशनल्स में पहना था, उसके बाद आज पहन रहा हूँ, नहीं तो कहीं ना कुछ छूट जाता, कभी कभी ये भूल जाता हूँ तो कभी कभी कुछ ना कुछ भूल जाता था, बट सेम यूनिफॉर्म मैंने नेशनल में पहना था और आज सेम पहन के मैं आज मेरा बेंच का पीआर लूंगा। सो लेट्स गो। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna look. So bench ka PR PR jaisa nahi aaya, usse bhi smooth aaya. So wo fully main next week 115 attempt karunga aur wo bhi shayad aa hi jayega. Shayad nahi, maanne padega nahi to lag jayenge mere. So abhi back off mein 100 ka charge lete hain aur ye agar aa gaya to 115 bhi udega hi. So let's go. I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. आज का पीआर सच में ऐसा लग रहा है, पीआर है भाई, जो हाइप था ना कसम से, ये हाइप मेरे को पंप में मिल जाएगा ना, तो आराम से 120 125 का फाइनली सेशन था। अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा अच्छा है, हाइप भी अच्छा था, और ये जिम को बहुत मिस करूँगा। बता लास्ट सेशन था और ये लोगों को बिकॉज पता नहीं अभी ये लोग कहाँ जाएंगे कैसे, यहाँ पे सब लोग एक साथ हो गए थे, अभी पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन से जिम में। सबको बाय बाय, मैं तो शिवम भाई के घर पे जाऊंगा आधी रात को। थैंक यू भाई, मिलते हैं। तो तेरे साथी को भाई फॉर्मेलिटी में रख लो, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो रोज मिलते हैं, रोज दुकान में मिलते हैं। ये लोग किसी दूसरे जिम में जा रहे हैं। मस्त है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक।